समय हूं। मेरे बहाव के रास्ते में न किसी दुख की रुकावट है न किसी सुख की, फिर भी कभी कभी भाग्य रेखाएं मुझे भी उलझा लेती है। ये गांव है गंगोली, गाजीपुर का ग्राम तीर्थ, गंगा जमुनी तहजीब का जीवंत प्रतिरूप। ये काबा भी है और काशी भी, यहां राम भी है और रहीम भी। ये छोटा सा हिंदुस्तान है। यहां के करघों में कबीर का स्वर घुला मिला है। झीनी 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 बीनी चदरिया, काहे का ताना काहे का भरनी, कौन के तार से बीनी चदरिया, झीनी 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 बीनी चदरिया। यहाँ के मंदिरों में रैदास जी के गीतों का नाद गूंजता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा। यहां गाजियों फकीरों और हाजियों का स्वर जल तरंग की भांति बजता रहता। झूठी माया झूठी काया, झूठा जग का खेला, उड़ जाएगा हंस अकेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। जग दो दिन का मेला, जग दो दिन का मेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। ये आधा गांव है, ये है डॉक्टर राही मासूम रजा का गांव, भारतीय ग्राम तीर्थ मेखला का मध्यमणि। गंग गंग गंगे का गगन भेदी गान लिए
आबे जमजम की खुशबू से सराबोर गंगोली। ब्रिटिश इंडिया के गांव का जीवंत दस्तावेज है आधा गांव। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद की साधना स्थली है। इसी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से डॉक्टर राही मासूम रजा ने उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। हिंदुस्तानी लिटरेचर पर आपने PhD की उपाधि प्राप्त की। आपका परिवार मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं के बीच अत्यधिक लोकप्रिय था। राही मासूम रजा में एक सूफी साधक की सहजता थी। मलिक मोहम्मद जायसी की भांत ये प्रेम को सर्वोत्कृष्ट पाथेय मानते थे। गांव में प्रेम की वह निर्मल धारा प्रवाहमान थी जहां ईद मुहर्रम ईद उम मिलन नबी होली दीपावली नवरात्रि पर परस्पर स्नेह और सौहार्द के दुर्लभ दृश्य देखने को मिलते थे। तब के भारत का वास्तविक चित्र है आधा गांव में वर्णित गंगोली। आज शब्बीर पे के आल में तन्हाई है को भला कौन भूल सकता। अब तो बस यही कहने को बचा है, ना वैसी भरी ना वैसी बरसा। सकीना, नईमा दादी, गुज्जन मियां, टामी, अगुदा, दमरीबू, नजमुल मियां, सईस मथुरा, मुमताज, सुलेमानचा, अकबर अली, कबीरचा, फुन्नन मियां, थानेदार ठाकुर हरनारायण प्रसाद, गुलाबी जान, असिया और न जाने आधा गांव के कितने किरदारों की छाया को मैंने अनुभव किया। सारे पात्र मानो मेरी आंखों के सामने जीवंत हो उठे और मैंने विनम्रता से कहा, आदाब, सलाम वालेकुम। कहीं से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम। शायद हवा का एक झोंका था जो अतीत की मंजूषा को खोल गया था। इस समय मैं डॉक्टर राही मासूम रजा के घर में हूँ और मेरे सामने हैं उनके चचा जान सैयद अबूजर हुसैन। मेरे हाथों में डॉक्टर राही मासूम रजा की तस्वीर देखकर उनकी आंखें नम हो आती। दक्षिणी पट्टी में अवस्थित यह घर आधा नया है और आधा पुराना, ठीक आधा गांव की तरह। पहले यहां बंगला हुआ करता था। इस घर का स्वरूप आज भी रूहानी है। यहां जनाना इमाम बारा भी है जहां औरतों की मजलिस लगती है। पहले सारे घर कच्चे थे, एकमात्र निशान है आधा खपरेल का घर। कुछ कुछ आधा गांव से मिलता जुलता ठीक पार्श्व में है गाजीपुर के प्रसिद्ध एडवोकेट अली शब्बर भाई का मकान। हमारे साथ ही रईस प्रधान जी और हमारे साथी संतन राम जी, आकर्षक व्यक्तित्व, जमींदारी रोबदाब वाला चेहरा, अद्भुत शालीनता। आप बताते हैं, राही साहब सैयद थे लेकिन आपने शादी पठान से की थी। आपके पुत्र का नाम नदीम खान है और बहू का नाम है पार्वती खान। आपकी एक बिटिया भी है। इस गांव में मुहर्रम में सभी आते हैं। मेरे चचा जान सैयद शाहिद मेहदी जामिया मिलिया के कुलपति थे। आप IAS थे, कलेक्टर बने, फिर कमिश्नर बने, UNO के सदस्य रहे और राजदूत भी बने। राही मासूम रजा के गांव में बुनकरों की बहुलता है। पावरलूम भी हैं और निशानी के तौर पर एक तो हथकरघा भी। मोहम्मद हासिफ दुपट्टा बुन रहे हैं। ताना बाना है, ताना काला रंग का है और झर भरनी हरे रंग की। फाखरा बेगम राटा पर धागा तैयार कर रही है। आसिफ, आफताब, अहमद, कमाल, सद्दाम, मजार, हासिम, वाइस सभी अपने कार्यों में मशगूल हैं। पूरे परिवार में एक आंतरिक अनुशासन है। पूरे गांव में जहां कभी पालकी की व्यवस्था थी, वही अंदर ही अंदर घरों तक पहुंचने की भी व्यवस्था थी। ड्योरीनुमा घर आज भी मौजूद है। कभी यहाँ पर्दा व्यवस्था बहुत ही सख्त थी। हमने हकीम साहब की बैठकी को देखा और अन्न भंडारण का छोर भी देखा, पालकी का टूटा फूटा रूप भी देखा, वखार की जगह भी देखी, उस मस्जिद को भी देखा जिसमें कभी रजा साहब नमाज अदा करते थे। हिजरी 1161 की 400 साल पुरानी मस्जिद देखी हमने। यही थी उनकी प्रार्थना स्थली। इस गांव में 16 चौक है जहाँ ताजिया सजा कर रखा जाता है। मुहर्रम में पूरे गांव की सफाई होती है। मंसूर मेहदी AG ऑफिस के सीनियर ऑडिटर का घर भी हमने देखा। इस गांव में 8 मस्जिद, 5 मंदिर, 3 तालाब, 2 प्राइमरी स्कूल,
एक जीजी ऐसी, एक इंटर कॉलेज और एक डिग्री कॉलेज है। खेल का विशाल मैदान है, एक राजकीय यूनानी चिकित्सालय है, एक बड़ा ईदगाह है, विद्युत और पेयजल सुविधा से संपन्न है यह गांव। 50 वर्षों तक प्रधानी का दायित्व इसी परिवार के हाथों में रहा। यहाँ चेहल्लुम भी खूब धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ तक कुंवरपाल सिंह आधा गांव का उर्दू अनुवाद लेकर आए तो इस गांव की फिजा को देख गदगद हो गए थे और कहा, माशाल्लाह, इतनी खूबियों वाला गांव मैंने आज तक नहीं देखा। यहां मार्क टुली आए, यहां शाहीन चिश्ती आए और कहा, बदस्तूर ऐसा गांव हमने नहीं देखा। यहां 15-16 घर सिया लोगों का है, शेष अंसारी का है। गांव में ब्राह्मण, लोहार, जायसवाल, स्वर्णकार, गुप्ता, लाला सभी हैं, ठाकुर और पठान यहां नहीं है। सैयद दानिश हुसैन जो रईस साहब के चचेरे भाईजान हैं ने हमें बहुत सारी जानकारियां दी। सैयद दिलशाद हुसैन फुन्नत दादा, फुन्नन दादा के रूप में वर्णित मोहम्मद मुस्लिम हुसैन के लड़के हैं। बताते हैं, अब्बा हुजूर की निशानेबाजी गजब की थी। राही साहब को शिकार का बड़ा शौक था, हिरण का शिकार होता था, चिड़ियों का शिकार होता था। राही साहब को रेहू मछली बहुत पसंद थी। जब भी आते महफिल सज जाती थी और साथियों का जमावड़ा होता था। दस्तरखान पर पता नहीं कितने लजीज खाने सज जाते थे। तब कर्मपुर का बुधई चमार भी साथ होता था। अब तो वही चौक है, वही मस्जिद है, वही गांव है, वही हवा है, वही फिजा है, वही रास्ते हैं, वही आधा गांव है, लेकिन बस वह मासूम राही नहीं है। इस गांव में 12 इमामों का जन्मदिन और 11 इमामों का वफात मनाया जाता है। मान्यतानुसार 12वें इमाम इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं और कौम की रहबरी करते हैं। डॉक्टर राही मासूम रजा मुंबई से अपने गांव लौटना चाहते थे। गंगोली उन्हें बेइंतहा पुकार रहा था लेकिन खुदा को वैसा मंजूर नहीं था। 1956 तक इस गांव में नवाबों की जमींदारी थी, सारी ठाठ पाठ उसी भांति थी जैसा आधा गांव में दर्शाया गया है। 1965-70 तक पुश्तैनी धारा प्रवाहमान थी। यहाँ हर फरियादी की पुकार सुनी जाती थी और फैसला पंच परमेश्वर जैसा ही होता था। जिस मौलवी साहब का और यूनानी दवाखाना का जिक्र आधा गांव में है, उनके पुत्र मकबूल अहमद से हम मिले। उनकी दुकान पूर्वत है, यूनानी दवाओं से सुसज्जित। केदारनाथ भरद्वाज यहाँ शिलाजीत लेने आए थे। यहीं अली हसन मिले जो गंगोली के रहने वाले हैं। जमा मस्जिद के पार्श्व में अवस्थित है यह दुकान। ठीक आगे मिला एक शिव मंदिर। भद्र महिला श्रीमती शारदा तिवारी जी और उनके पति श्री सुभाष चंद्र तिवारी जी ने पूरा परिसर दिखाया। वहीं से देखी पानी की टंकी और वहीं आंगन में मिली शारदा जी की दोनों सखियां मुराही देवी और जानकी देवी। जिसने भी हमारे आने का मकसद सुना बेइंतहा प्यार दिया। कुछ लोगों ने आपकी तस्वीर का फूसा भी लिया। आपकी प्रख्यात रचनाएं हैं आधा गांव, दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला, शीशे के मकान वाले, ओस की बूंद, असंतोष के दिन, कर्तव्य आरज़ू, सीन नंबर 75, मौज़े गुल, मौज़े शबा, अजनबी शहर, अजनबी रास्ते, मैं एक फेरी वाला, नीम का पेड़, छोटे आदमी की बड़ी कहानी और इनकी फिल्में हैं जिसकी इन्होंने पटकथा लिखी है। मैं तुलसी तेरे आंगन की, हम पांच, आईना, लम्हे, गोलमाल, आलाप, बात बन जाए, परंपरा, मिली, नाचे मयूरी और महाभारत का सुंदर स्क्रिप्ट। आपको 3 बार बेस्ट डायलॉग अवार्ड मिला और एक मरणोपरांत पुरस्कार मिला मैं तुलसी तेरे आंगन की पर और मिली और लम्हे पर। मुंह की बात सुने
गई सुखई की माई। तनी खुरपी ले आ दे रे। खुरपी का होई? सुखीराम के वास्ते एक ठो पेड़ लगाए थे और तुमका यहाँ खड़ा रहे की जरूरत नहीं है। नजर लग जाए सुखीराम का। बजरंगी भैया का होता है रे? एक ठो पेड़ लगाए थे। मैं से पूछ रहे हो? ये तो नीम है भैया। अरे नीम हुए चाहे पाकड़, कम से कम तो का पूछ तो लिया रहा। और फिर कल ये जमीन मियाँ जी के और दे दिए तो का कर भी? ऐसा जन कहा भैया, अब इन जात है मियाँ के पास। हम अपने दुआरे एक ठो नीम का पेड़ लगा सकते हैं का? साला पेड़ लगाया चलाया तो भी नीम का। नीम का पेड़ का हुई बे? आए? निमकोली की दुकान खोलेगा? चल लगा ले। अरे सलाम। बुधाई काका का घर लड़का भाई। देखिए शुभराती मियाँ भाई, अब पाकिस्तान के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। तो का आप ही कह रहे हैं मियाँ कि पाकिस्तान बनाए हम और हमारा ही गांव पाकिस्तान के बाहर? अरे ये तो जुल्म हो गई है ना। इसमें जुल्म की क्या बात है? हिजरत तो आ हजरत की सुन्नत है उस्मान खान। मुदा हम तो हजरत नहीं है ना साहब, हिजरत तो ना कर सकते हम। 7 पीढ़ी हो गई यहाँ रहते रहते, अब कोई के कहे से हम ये गांव तो नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान बने और चाहे मत बने। सलाम वालेकुम। तू जानते नहीं है हमें, तो जाओ घर आ जाओ। हम लक्ष्मणपुर खला को जलवा के राख कर देंगे। आपके प्रसिद्ध गीत रचनाएं हैं कोई गाता मैं सो जाता, माता सरस्वती शारदा, आई ऋतु सावन की, चांद अकेला जाए रे, सखीरी काहे मनवा नाचे, मीठी बतिया, नैरी लगन, जिंदगी को सवारना होगा। आपकी आत्मकथा बहुत विख्यात है, छोटे आदमी की बड़ी कहानी, ठीक उनके नाम की भांति, राही मासूम रजा की भांति, बुद्धन खरबार मिले, रामजन्म राजभर मिले, ओम प्रकाश यादव मिले, नथनी यादव मिले, सुखिया देवी मिली, सकीना बहन मिली। हमारे साथ नौनिहालों और युवाओं का काफिला लगा रहा। किसी ने शूटिंग बाजी चल रही है कहा, तो किसी ने कहा खुफिया लोग हैं सावधान। इमामबाड़े के पास रुककर अस्ताचलगामी सूरज को हमने नमन किया और इस ग्राम तीर्थ को अपने अनुज डॉक्टर संतन राम जी तथा अपने छायांकक श्री प्रताप जी के साथ नमस्कार करते हुए कहा सलाम और कहा इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।